नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां मुंब्रा में बिजली निजीकरण को लेकर लोगों में बड़ी चिंता है, तो वहीं महावितरण से भी लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लोग लगातार बिजली विभाग से शिकायत कर रहे हैं कि उनके बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, मगर महावितरण के अधिकारियों को लोगों की शिकायतों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि उनका बिजली का भुगतान ज़्यादा आ रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि रीडिंग लेने कोई नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि महावितरण की तरफ से रीडिंग लेने वाले प्राइवेट हैं, जो कभी रीडिंग लेने आते ही नहीं हैं, मगर बिना रीडिंग लिए जो बिल अमाउंट होता है वो लोगों की कमर तोड़कर रख देता है। आज इसी शिकायत को लेकर शिवसेना के नेता सुधीर भगत ने मेक कंपनी स्थित महावितरण का दौरा किया। इस दौरान हमने बात की सुधीर भगत से, आपको सुनाते हैं, साथ ही उन महिलाओं से भी बात की जो शिकायत लेकर आई थी। तकलीफ इनको नहीं है, तकलीफ पूरे मुमरा को है। जो ये मुद्दा लेके आई है ना, वो पूरा मुमरा का तकलीफ है। इनकी जो मीटर की रीडिंग है वो सेम टू सेम है, जैसे 3988 और ये महीने का भी 3988 और बिल दे दिया है, और बाद में 3 महीने के बाद इनको आएगा बिल 4000 5000 6000। पूरे मुमरा को ब्लैक लिस्ट में डालने की ये पूरी साजिश रची जा रही है और बाखूबी रची जा रही है। और अभी ये आप कहोगे प्रूफ क्या है, एक मिनट देखो, ये देखो ये रीडिंग अगर आपको दिखती रहेगी, ये देखिए ये रीडिंग 3891 और चालू रीडिंग 3800। इसने कोई यूनिट वापरा ही नहीं है। अरे उसकी मीटर चालू है, उसकी मीटर की रीडिंग आ रही है और बिल भी आ रहा है। आज आप जब मीटर लेने के लिए जाओगे तो आप दिखाओगे कि 4000 की मीटिंग रीडिंग गिर गई है, 5000 की रीडिंग गिर गई है, और उस गरीब के ऊपर आप 6-7 हज़ार का बिल मारोगे। और बाद में जब वो आएगा इधर तो कहेंगे एक काम करो 2000 रुपये भरो, अगले बार आपका कैंसिल होके आएगा। अगले बार कोई कैंसिल होता नहीं है, वैसे के वैसे ही रिपीट होके आता है और बाद में मरा जाता है ग्राहक। उधर मंत्रालय के अंदर एक नोट भेजी जाती है कि मुमरा के ऊपर इतना थक बाकी है, और यहाँ ग्राहक बोलता है कि हमने पैसा भरा है तो फिर पैसा गया का। आज मेरे हाथ में जो मीटर का बिल है इसके ऊपर मीटर की कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन वो औरत बोल रही है मेरे घर में मीटर चालू है और उसकी रीडिंग आ रही है। ये अजी कुड़े, ये औरत घर काम करती है, इसको आप देखो क्या बिल दे रहे हो, 10000 रुपये बिल दे रहे हो। क्या है उसके घर में? 10300। इसका मीटर का रीडिंग देखो क्या है, सिर्फ 103 यूनिट। क्या करेगा इंसान, ये पूरी साजिश है। मैं तो अभी साजिश क्या, टेंडर निकल चुके हैं इनके और ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है, टोरंटो कंपनी आ रही है। बस यही टोरंटो कंपनी जब आएगी तो आपका गला पकड़ के पैसा वसूल करेगी, हम चोर के कटड़े में खड़े हो जाएंगे। मुमरा को अच्छी बेचने की साजिश की है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के जितने लीडर्स लोग हैं। साजिश कौन, अब यहाँ का मंत्री कौन है, यहाँ पर मंत्रालय में कौन जा रहा है, यहाँ का आमदार कौन है, उसने जवाब देना चाहिए कि भाई हमारे हाल हो रहे हैं, हमको बेहाल करके रखने की तुमने पूरी साजिश रची है। मुबारक हो आपको, मुमरा को बेच दिया आपने। हमारा 2100 और इन्होंने, ये देखिए आप तारीख कितनी है, ये 8वें महीने का बिल है, परमानेंट बिल भरा जा रहा है, तो ये 9वें महीने का बिल इन्होंने कितना दिया है, 9000। जो 10000 कमाने वाला इंसान 9000 बिल भरेगा तो बच्चों को क्या करेगा, पेट क्या पालेगा। 10000 कितने महीने का बिल है? 1 महीने, सिर्फ 1 महीने का। आप प्रूफ देखिए ना, ये पहले का भरा हुआ, ये देखिए पहले महीने का भरा हुआ, 8वें महीने का भरा हुआ है, ये देखो ये 9वें महीने का बिल है, वो भी जिस दिन जमा होना होता उससे एक दिन पहले टाइम देते। उनका कहने का मतलब है 8 महीने तक, 8वें महीने तक उन्होंने पूरा बिल भरा हुआ है। हाँ, डायरेक्ट 9वें महीने का बिल 10000 आया। ये कहाँ का इंसाफ है, हर महीने 2000 2100 आ रहा है, 2000 2200 आ रहा है, अचानक 10000। तो ये 8000 का जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है ना, ये सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि मुमरा वाले पैसा भर नहीं रहे है दिखाने के लिए, और ताकि प्राइवेट करने के लिए ये मौका, देखो ये नहीं भर रहे, देखो ये नहीं भर रहे, इसको प्राइवेट करो। अरे जब तुम गलत ही भेजोगे तो ट्रेडिंग एक का से हम सब अभी शिकायत लेकर गए थे, तो आपको वहाँ से क्या जवाब दिया गया? अभी तो देख रहे हैं ना, 23 तारीख को आने वाले रीडिंग लेने के लिए, 23 तारीख को आने वाले। हाँ, अभी तक कोई रीडिंग नहीं लिए, नहीं लिए, 2 महीने की एक ही रीडिंग है हम लोग की। अभी जो बिल आई है सितंबर से वही रीडिंग, नहीं कुछ आया था, कोई आया नहीं था, ऐसे ही बिल छाप के दिए 4500।
कितने महीने का? एक महीने का सिर्फ। तो ये थे सुधीर भगत, जिनका कहना है कि मीटर चालू है मगर कोई रीडिंग लेने नहीं आता है, एक ही रीडिंग पर हमेशा बिल भेजा जाता है, वो भी बेहिसाब, किसी का 10,000 तो किसी का 20,000। ये महावितरण की लापरवाही है। जिस रीडिंग की लोगों ने भुगतान कर दिए हैं उसी रीडिंग की बिल बार बार भेजी जाती है। अगर मीटर की रीडिंग अब लेकर भुगतान बिल भेजी जाए तो जिस महीने का भुगतान लोगों ने कर दिया है उन्हें उस महीने का भुगतान दोबारा करना पड़ेगा। महावितरण जो भुगतान बिल भेजता है ज़्यादातर बिलों में मीटर की फोटो नहीं रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भुगतान बिल लोगों के घरों तक भी नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने नेट से बिल निकालकर अपना भुगतान करते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।